राजतिलक की घोषणा कैकेय पहुंचकर भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। भरत के मामा अश्वपति उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि उनके पिता राजा दशरथ मामा के इस स्नेह के कारण उन्हें यही लगता था मानो वे ननिहाल में न होकर अयोध्या में हों। इतने पर भी उन्हें समय समय पर अपने पिता का स्मरण हो आता था और वे उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठते थे। राजा दशरथ की भी यही दशा थी। यद्यपि राम और लक्ष्मण उनके पास रहते हुए सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहते थे, फिर भी वे भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए अनेक बार व्याकुल हो उठते थे। समय व्यतीत होने के साथ राम के सद्गुणों का निरंतर विस्तार होते जा रहा था। राजकाज से समय निकालकर आध्यात्मिक स्वाध्याय करते, वेदों का सांगोपांग अध्ययन करना और सूत्रों के रहस्यों का समझकर उन पर मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। दुखियों पर दया और दुष्टों का दमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे जितने दयालु थे उससे भी कई गुना कठोर वे दुष्टों को दंड देने में थे। वे न केवल मंत्रियों की नीतियुक्त बातें ही सुनते थे बल्कि अपनी ओर से भी उन्हें तर्क सम्मत अकाट्य युक्तियां प्रस्तुत करके परामर्श भी दिया करते थे। जिस स्थान में भी वे भ्रमण और देशाटन के लिए गए वहां के प्रचलित रीति रिवाजों सांस्कृतिक धारणाओं का अध्ययन किया, उन्हें समझा और उनको यथोचित सम्मान दिया। सर्वाधिक योग्य एवं आदर्श नरेश सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अब शीघ्रातिशीघ्र राम का राज्याभिषेक कर देना चाहते थे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और रामचंद्र राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। अपने इस विचार पर आप लोगों की सम्मति लेने के लिए ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। कृपया आप सभी अपनी सम्मति दीजिए। राजा दशरथ के इस प्रस्ताव को सभी मंत्रियों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। शीघ्र ही राज्य भर में राजतिलक की तिथि की घोषणा कर दी गई और देश देशांतर के राजाओं को इस शुभ उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवा दिए गए। थोड़े ही दिनों में देश देश के राजा महाराजा, वनवासी ऋषि मुनि, अनेक प्रदेश के विद्वान तथा दर्शकगण इस अनुपम उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में आकर एकत्रित आए हुए सभी अतिथियों का उनके क्रियाकलापों ऐसे थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि रामचंद्र क्षमा में पृथ्वी के समान, बुद्धि विवेक में बृहस्पति के समान और शक्ति में साक्षात देवताओं के अधिपति इंद्र के समान है। न केवल प्रजा वरन स्वयं राजा दशरथ के मस्तिष्क में ये बात स्थापित हो गई थी कि जब भी राम अयोध्या के सिंहासन को सुशोभित करेंगे उनका राज्य अपूर्व सुखदायक होगा और वे अपने समय के आए हुए सभी अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ तथा समस्त सुविधाओं के साथ उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। निमंत्रण भेजने का कार्य की उतावली में मंत्रीगण मिथिलापुरी और महाराज कैकेय के पास निमंत्रण भेजना ही भूल गए। राजतिलक के केवल दो दिवस पूर्व ही मंत्रियों को इसका ध्यान आया। वे अत्यंत चिंतित हो गए और डरते डरते अपनी भूल के विषय में महाराज दशरथ को बताया। ये सुनकर महाराज को बहुत दुहक हुआ किंतु अब कर ही क्या सकते थे। सभी अतिथि आ चुके थे इसलिए राजतिलक की तिथि को टाला भी नहीं जा सकता था। अतः वे बोले, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु बात बड़ी अनुचित हुई है। अस्तु, वे लोग घर के ही आदमी हैं, उन्हें बाद में सारी स्थिति समझाकर मना लिया जाएगा।